सृष्टि के आरंभ से पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी का ही महत्व क्यों है? क्योंकि जो सबसे अनमोल है वह पृथ्वी पर है। बहु मैं पानी, कल कल बहती नदियां मेरा जीवन है, मेरा स्वरूप है, वह पूजी जाती है क्योंकि उसी ने मानव जाति को पीने योग्य जीने योग्य पानी दिया, पोषण करती है नदियां। पर यह क्या, मानव ने जिसे अपनी माँ कहा उसे ही अंधाधुंध बहाकर उसकी बर्बादी कर उसे दूषित कर दिया। आज 2050वें वर्ष में मेरी बूंद बूंद के लिए त्राही त्राही मची है, मेरा अस्तित्व खतरे में है, पर फिर भी मेरी उम्मीद खत्म नहीं हुई। कोई तो होगा जो मुझे बचाने का, मुझे सहेजने का। अरे क्या हुआ, क्यों इतने जोर से चिल्ला रहे हो? बड़ी जोर से प्यास लगी है माँ, अलमारी की चाबी दो, मुझे पानी पीना है। उठो बेटी, स्कूल के लिए लेट हो जाएगा, आज पानी के बंदी वाला भी नहीं आया, आज एक बोतल ही बची है, अब इसी से काम चलाना पड़ेगा। तो क्या आज मुँह भी नहीं धो पाऊंगी? अरे क्यों नहीं धो पाऊंगी, ये स्प्रे है ना, अभी तुम्हारा मुँह चकाचक कर देती। आज के ऑफिस नहीं जाना है, उठो। अरे यार ये सुस्ती की जाती नहीं, परसों हो गए ढंग से नहाए हुए, ये बहाना नहीं चलेगा, चलो उठो। ये छोटी छोटी बातें पर है अंजाम बड़ा, जिसके घर में ज्यादा पानी छापा वही पड़ा। अरे ये क्या, क्या हुआ, ये पड़ोस में पुलिस क्यों आई है? अरे किसी और के यहाँ नहीं, अपने ही यहाँ आई है। आपके यहाँ सीबीआई का छापा पड़ा है? क्यों, पर मैं तो अपना संपत्ति कर पूरा भर चुका हूँ, भला मेरे यहाँ छापा क्यों? मैं अचल संपत्ति की नहीं तरल संपत्ति की बात कर रहा हूँ। मैं पता चला है कि आपने जरूरत से इतना ज्यादा पानी स्टॉक कर रखा है। अच्छा ये पानी, अरे यह तो जैन सोशल ग्रुप यूनिक कल पानी डोनेशन का कैंप लगा रहा है। अरे जहाँ पानी पीने को नहीं वहाँ इतना महंगा पानी डोनेट करने को चले हो? सरकार कहाँ रुकने वाली थी, बड़ी तैयारी कर डाली, पानी पहले ही महंगा था और कीमत बढ़ा डाली, सब टेंशन और बड़ा जो खबर टीवी पर आई, तृतीय विश्व युद्ध पानी के कारण जनता थी घबराई, अरे मच गई खूब दबाई भैया, मच गई खूब में प्रमुखता से दुनिया में पानी के लिए तृतीय विश्व युद्ध छिड़ गया है, चारों ओर हाहाकार मचा है, पानी की ये त्रासदी विश्व को न जाने किस ओर ले जाएगी। सोचने वाली बात यह है कि क्या मानव सभ्यता धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी, इस आपदा से कैसे निपटा जाए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण प्रश्न है हम सभी के सामने। आज तक से मैं नील सावन की प्रतीक्षा में सूखी हुए डाली पर बैठा हुआ एक पंछी बस देख रहा है वो अंबर, अब सावन आएगा अब प्याज बुझाएगा, ये कोई न जाने। ये क्या हो रहा है, ड्रेनेज का पानी सीधे साफ पानी में मिल रहा है, इससे तो बीमारियां फैलेंगी। और ये क्या, केमिकल फैक्ट्री का गंदा कचरा, गंदा पानी नदी के साफ पानी में मिल रहा है, ऐसे तो नदी दूषित और तबाह हो जाएगी। शायद यही कारण नहीं होंगे, यही कारण है जो हम सब इस तरह धूप धूप पानी के लिए तरस रहे हैं। ये बर्बादी रुकनी ही चाहिए, हाँ रुकनी ही चाहिए। अरे ढूंढ लो ढूंढ लो, अरे हरे नर्मदे। अरे रामू जरा जोरदार पानी की धार से गाड़ी धो दे। भाई साहब आप गाड़ी
बाल्टी से पानी लेकर भी धो सकते हैं। तुम कौन हो? मैं कोई भी हूँ। इन छोटी बातों से ही हम पानी को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। अरे भाई हमारा पानी है, हम कुछ भी करें। आंटी आंटी आपकी टंकी ओवरफ्लो हो रही है। अरे क्यों इतना जोर से चिल्ला रही हो? कोई सारा दिन तो टंकी पर चढ़कर बैठा नहीं रह सकता ना। नहीं आप वॉल क्लॉक क्यों नहीं लगाती? इससे आपको पता चले कि टंकी ओवरफ्लो हो गई है। अरे बस बस अपनी ये सलाह अपने पास रहने तो, किसी और को जाके देना, मुझे बहुत सारे काम है। कोई मेरी बात सुनना ही नहीं चाहता, कोई समझना ही नहीं चाहता। बंद करो ये बर्बाद। क्या इस पर कोई विचार नहीं कर सकता? कैसे होगा सुरक्षित कर? जरा खोल कर कहो। दिल नहीं दिमाग लगा, पानी की हर बूंद बचाओ। अच्छा अपने ही वंशजों की खातिर समय सही है कदम उठाओ। नहीं करो जो तुम मनमानी, मिल सकता है सबको पानी। क्या बात है? अब सुनो तुम मेरी बात, तीन बातों को रखना यार। पहली बात, टंकी को तुम खुला न छोड़ो, शावर से तुम नाता तोड़ो। अच्छा कम पानी से तुम नहा, बूंद बूंद पानी बचाओ। अब सुनो दूसरी बात, उपयोग किया गया पानी करो इकट्ठा जगह एक, सीधे धरती में वो जाए, ऐसे करो उपाय अनेक। हर घर एक पेड़ लगाए, बारिश का पानी बचाए। बोरी का पानी कभी सूखने ना पाए। अब सुन लो तुम तीसरी बात, मिलकर खोदो गड्ढा एक, जिसमें डालो कंकर पत्थर और रेत, इससे बनेगी छन्निया अनेक। पृथ्वी का जल स्तर बढ़ेगा, कोई न फिर प्यासा मरेगा। जितने भी प्राकृतिक जल स्रोत हैं, जैसे कुएं बावड़ी तालाब नदियां, इन सबको पुनर्जीवित हम करें। साफ पानी हो भरपूर इनमें, ऐसी कोशिश हर एक करे। सही कहा बिटिया तुमने, हम सब तो समझ गए। अब आप सबकी बारी है। पानी की हर बूंद बचे, इसमें ही समझदारी है। आप समझ गए, अब मेरी चलने की तैयारी है। पानी बचे धरती बचे, अब यह आपकी जिम्मेदारी है। समझ में आई अरे बिटिया तेरी बात, समझ में आई आज बिटिया तेरी बात। हमसे हो रहा था पाप, पानी होगा ना अब बर्बाद, रहेगा जीवन भी आबाद। क्यों ना हम अपनी कोशिश से पानी रोज बचाएं, छोटी तरकीबें अपना के जल इस स्तर को उठाएं। जीवन फले फूलेगा, अपना भविष्य भी मुस्काएगा, धरती के उपकारों का कर्ज अदा हो जाए। मानव ने समझा फर्ज अपना, दिया भविष्य का उज्जवल सपना। जल बचाओ जीवन बचाओ।